Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Saloni Singh, and in this series of 12 standard videos, we have started with chapter number 10, Halo Alkanes and Halo Arenes. Before starting the chapter, let me tell you, I have already uploaded 3 to 4 videos related to this chapter, that is based on nomenclature, classification, preparation of haloalkane using alcohol, preparation of haloalkane using hydrocarbon. All those 3 videos are readily useful for you. अगर आप वो विजिट करके फिर इस वीडियो पे आते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आई एम डैम श्योर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन यूजिंग हैलोजन एक्सचेंज मेथड. ये जो रिएक्शन अब हम आगे करने वाले हैं, ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. तो इस चैप्टर में से हमारे पास दो नेम रिएक्शन है, वन इज़ फिंकलस्टेन, अनदर इज़ स्वॉर्ड्स रिएक्शन. इस पूरे चैप्टर का वेटेज नियरली 4 to 5 मार्क्स होता है बोर्ड एग्जाम में. सो अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेयर हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द रिएक्शन. सी, फिंकलस्टेन रिएक्शन इज स्पेसिफिकली यूज अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आपको आयोडो अल्केन बनाना है, आयोडीन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप, यानी CH3I, C2H5I. तो आयोडीन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप बनाना है तो आपको फिंकलस्टेन मेथड यूज करनी चाहिए. क्या होता है फिंकलस्टेन में, यू आर टेकिंग एनी RX ग्रुप वेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन. RCl ले लो, RBr ले लो, ठीक है, क्लोराइड और ब्रोमाइड अल्काइल ग्रुप जैसा कोई कंपाउंड ले लो. व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, सिंपल हैलोजन एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस. दिस एक्स इज कमिंग हियर एंड आई इज गोइंग देयर. ओके, सो द रिएक्शन इज सिंपल. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. इफ आई एम टेकिंग हियर CH3Cl, आई एम ट्रीटिंग इट विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन to give you CH3I plus NaCl. Okay? Yes. देखने में रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, एकदम ये है ना भूकंप के आने से पहले वाली शांति है. एक्चुअली द रिएक्शन इज कम्प्लीट एन अर्थक्वेक. जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं. क्यों नहीं है वो अब पता चलेगा. आगे का जो पार्ट है ना वो सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है. मतलब कि जैसे आप पिक्चर देखते हो वैसे देखोगे, पिक्चर की तरह देखना है इसको, क्योंकि पिक्चर आप मज़े के लिए देखते हो, एन्जॉय करने के लिए देखते हो, और जब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ पढ़ाई के लिए नहीं एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है. स्ट्रेस लेके मत सुनना, सिर्फ मज़े के लिए सुनना और समझ में आ गया. अगर आपको ऐसा लगे ओ ऐसा होता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. सो लेट्स स्टार्ट. मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले. मैकेनिज्म इज टू सिंपल. दिस इज़ योर RX ग्रुप. व्हेन यू आर टेकिंग इट विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, बेसिकली हो क्या रहा है, दिस इज़ योर Na प्लस, दिस इज़ योर I-. I- इज़ अटैकिंग ऑन दिस R ग्रुप फ्रॉम द बैक साइड. एज इट इज़ अटैकिंग ऑन द फ्रॉम द बैक साइड, X- इज़ लीविंग एंड दिस X- विच इज़ लीविंग इट इज़ गोइंग टू कम्बाइन विद NaX. तो क्या बन जाएगा आपका RI प्लस NaX. है कुछ रिएक्शन में दम? कोई दम नहीं है. लेकिन काम का क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या आता है. ज़रा सोचो, यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ CH3Cl NaI के साथ, आई एम ट्रीटिंग इट इन और कैरिंग आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आपको प्रोडक्ट क्या जनरेट हो रहा है? NaCl जनरेट हो रहा है ना. क्या क्लोरीन का इतना पावर नहीं है कि ये फिर से अटैक करे CH3I पे और I को बाहर निकाल दे? पॉसिबिलिटी है ना. जैसे यहाँ पे आयोडीन कर रहा है, सी what iodine is doing, iodine is attacking from backside on the R group and replacing the halogen. तो यहाँ पे ये same reaction नहीं हो सकती क्या? यहाँ पे NaX है, this X can attack back on R and can give you the reactant. मतलब कि reaction के equal chances है कि वो backward direction में जा सकता है, ठीक है, एकदम इक्वल फेयर इनफ चांसेस है कि ये वाला जो एक्स है क्लोरीन या ब्रोमीन वो भी रेडिली आर ग्रुप पे अटैक कर सकता है और ये बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है.
सो इफ़ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आप क्या चाहोगे, आपका प्रोडक्ट बने या फिर आपने पैसे खर्च करके प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट मिले? ऐसा तो नहीं चाहोगे ना, आप चाहोगे कि आपको आपका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिले। पर अगर ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में गई तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा गेम किसका है, पूरा गेम खेलने वाला है एसीटोन। अब एसीटोन ने ऐसा क्या गेम खेला है तो ज़रा ध्यान से देखो। एसीटोन एक पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है? पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब मुझे ये भी पता है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा कि पोलार प्रोटिक एंड पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट व्हाट डू दे मीन। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप, योर पोलार प्रोटिक एंड पोलार एप्रोटिक। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आर दोज सॉल्वेंट वेयर योर हाइड्रोजन ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली लिंक टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इथेनॉल लेते हैं तो इथेनॉल का ये जो हाइड्रोजन है इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू ऑक्सीजन विच इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इट इज़ गोइंग टू स्नैच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को H+ की तरह सोल्यूशन में रिलीज कर देगा। तो यानी कि क्या जनरेट हुआ? प्रोटॉन जनरेट हुआ। इसीलिए ऐसे सॉल्वेंट्स को बोलते हैं पोलार प्रोटिक, जो क्या करे, रेडिली एच प्लस दे सके सॉल्यूशन के अंदर। कैसे रेडिली एच प्लस देंगे? जब वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लिंक होंगे तभी दे पाएंगे ना। सो दिस इज़ अ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपका सॉल्वेंट पोलार तो है पर प्रोटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेकिंग एसीटोन CH3CO CH3, इसमें क्या है, एसीटोन इज प्रोटिक, सॉरी एसीटोन इज पोलार बट इट इज़ एप्रोटिक। क्यों बोल रहे हो एप्रोटिक? देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ लिंक टू कार्बन, ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो किससे लिंक है? कार्बन से। कार्बन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? नहीं है। कार्बन इज नॉट एज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एज ऑक्सीजन। तो कार्बन की कैपेसिटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करने की कम होगी, ऑफ कोर्स कम होगी। तो क्या वो रेडिली सॉल्यूशन के अंदर H+ जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोलार प्रोटिक एंड पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। व्हेन योर प्रोटॉन दैट इज़ योर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन देन इट इज़ नोन एज पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हेन the compound or the solvent is polar but it is the electronegative element is not directly linked with the hydrogen then it is known as polar aprotic। अब आप मुझसे पूछोगे मैम इसका ये पूरे रिएक्शन से क्या लेना देना है? सो इट हैज़ अ वेरी वाइड इम्पैक्ट, लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। आप एक और कॉन्सेप्ट जानते हो, क्या कॉन्सेप्ट जानते हो? यू नो दैट लाइक डिजोल्व लाइक, दिस स्टेटमेंट वी आर स्टडिंग since 10th standard, like dissolves like। मतलब कि अगर तुम्हारा solvent polar protic है, polar protic है मतलब कि वो readily किसको dissolve करेगा? ionic compounds को readily dissolve करेगा। ठीक है, polar protic है तो polar compound को readily dissolve करेगा। polar compounds यानी कि जैसे कि NaCl है। ठीक है, और अगर आपके पास पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो किसको रेडिली डिसॉल्व करेगा? जिनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट कोवेलेंट को डिसॉल्व करेगा क्योंकि ये खुद भी एक कोवेलेंट टेंडेंसी थोड़ी दिखा रहा है इसके कंपैरिजन में। बात समझ रहे हो आप? यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलार प्रोटिक होगा तो वो आयनिक को डिसॉल्व करेगा, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो कोवेलेंट को डिसॉल्व करेगा। एसीटोन क्या है? एसीटोन इज़ अ पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन जो आप इस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो, जो इस रिएक्शन की माँ है एक्चुअली, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है,
दैट इज़ बेसिकली पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, तो अब इससे क्या मज़ा आई? तो मज़ा आने के लिए पहले हम एक और चीज़ समझते हैं। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है या कौन सा कोवलेंट है? तो हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। यही चीज़ें रिएक्शन में यूज़ हो रही है ना, NaI लिया है हमने। तो ज़रा सबको कंपेयर करते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NaX बन रहा है। तो सब सारी सिचुएशन हम कंपेयर करते हैं। सी, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल फजान्स रूल क्या कहता है? आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर भी होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, कितना कोवेलेंट, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करता है, ये आपके फजान रूल से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो व्हाट डज फजान रूल स्टेट्स दैट स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन। अगर आपका कैटायन छोटा और एनायन की साइज बड़ी है तो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ज़रा देखो, हमारे पास NaF, NaCl, NaBr एंड NaI है। इन ऑल दोज केसेस सोडियम इज कॉमन, सोडियम कॉमन है। एंड वी नो दैट एज यू मूव फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अप टू डाउन, साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। किसकी, एनायन की साइज इंक्रीज़ हो रही है एज़ यू मूव फ्रॉम NaF टू NaI। तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किसका होगा, NaI का। NaI का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा NaF, NaCl और NaBr के कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप रिएक्शन में NaI यूज़ करते हो, ठीक है, तो NaI एसीटोन के अंदर रेडिली सॉल्यूबल है। NaI एसीटोन के अंदर रेडिली सॉल्यूबल है। NaI एसीटोन के अंदर रेडिली सॉल्यूबल है, तो अब आप देखो प्रोडक्ट क्या जनरेट हो रहा है, NaX। NaX यानी या तो फिर ये NaCl है या तो फिर ये NaBr है। ठीक है, X मैंने बोला था, आप कुछ भी ले सकते हो, NaCl या NaBr। NaCl एंड NaBr सॉल्वेंट कैसा है, एसीटोन, पोलार एप्रोटिक है। पोलार एप्रोटिक है यानी कि किसको डिसॉल्व करेगा, कोवेलेंट वाले को, यानी आयनिक वाले को रेडिली डिसॉल्व नहीं करेगा। आयनिक को रेडिली डिसॉल्व नहीं करेगा। NaCl एंड NaBr का कैरेक्टर कौन सा ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो क्या वो इस एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। अगर एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट हो गया मतलब कि वेरी सिंपल, अगर इसके प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हो गए, देखो कोई भी आयन आयन की तरह तब बिहेव कर पाता है जब वो सॉल्यूशन के अंदर आयन्स जनरेट करे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो गया तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता तो क्या रिएक्शन बैक, क्या वो आर पे अटैक कर पाएगा, नहीं। आर पे अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से बच गया। तो क्या की पॉइंट्स थे, सबसे पहले एसीटोन इज़ अ पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट टेंड टू डिसॉल्व द कंपाउंड्स हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज़ रेडिली डिसॉल्विंग NaI। NaI कोवेलेंट कैरेक्टर का है तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट में जनरेट हुए NaCl एंड NaBr जिनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट डिसॉल्व इन एसीटोन। एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लियोफाइल तभी बनेगा जब आयनाइज होंगे, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो गए तो दे कैन नॉट एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे, आर पे अटैक नहीं करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। एंड दैट्स हाउ दिस इज अमंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। सो आई होप यू आर क्लियर।
बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे से मुझे एक और चीज़ याद आ गई, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू. दैट इज़ सी, देर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ येस. अब इसके आगे जो सेशन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इन व्हाट सेंस, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगी, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अगर किसी को नहीं पता था और यही वीडियो देख के समझ में आया हो, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल बी मेंशनिंग इट इन द कमेंट सेक्शन कि थैंक यू सो मच मैम, हमें इस वीडियो का ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमें आपके वीडियो से जानने को मिला. तो आई विल बी वेरी हैप्पी. येस, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे वैरी करती है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में एंड पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट में. ठीक है, लेट्स सी. अगर आपके पास पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब अभी हमने डिस्कस किया CH3CH2OH, सिंपल इथेनॉल इज़ अ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. अगेन वाई, बिकॉज द H इज़ लिंक्ड टू ऑक्सीजन, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्या हो रहा है यहाँ पे, सी पोलार प्रोटिक है यानी कि ये रेडिली वाटर के अंदर क्या दे देगा, इट कैन, ऑक्सीजन कैन रेडिली स्नैच अप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कैन रेडिली जनरेट H प्लस आयन, यानी सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है. बात समझ में आई? अगर सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है और तुम्हें पता है कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट अगर आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो दे रेडिली फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रेडिली फॉर्म करते हैं तो अगर उसे पानी के अंदर F- आयन मिल रहा है तो ये H+ क्या करेगा, F- के अराउंड सराउंड हो जाएगा. ठीक है, रेडिली क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी कि H+ विल बी मोर हिंडर्ड, H+ विल बी सॉरी फ्लोराइड आयन F- विल बी मोर हिंडर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अराउंड इट. F- के अराउंड इतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा कि क्या वो अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर प्रेजेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हो, उनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कम होती जाती है. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होगी तो मतलब उनका इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल होगा किसी और के लिए और वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द होल कॉन्सेप्ट वी गॉट टू नो कि अगर आपका पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर विल बी इन दिस ऑर्डर. तो हमारे पास यहाँ से कितने पॉइंट्स निकल के आए, फॉर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट वी गॉट टू नो दैट विथ इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विथ इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा दिखती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो फ्लोरीन का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इसीलिए वो बेचारा इलेक्ट्रॉन रिच होते हुए भी एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा. वेरी सिंपल. ओके, सो ये हो गया कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. लेकिन यही चीज़ एग्जैक्टली उल्टी पड़ जाती है अगर आप पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो. ये पॉइंट मैंने ना पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए मेंशन की है. नाउ लेट्स मूव टू द पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट. आई एम रबिंग द ऑल द कॉन्टेंट विच आई हैव रिटन ओवर हियर. सी येस, अब आपकी कंडीशन क्या है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट. पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट है यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन जनरेट कर ही नहीं रहा है. पोलैरिटी है बट इट इज़ नॉट गिविंग रेडिली H+ आयन. H+ आयन है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट देयर. तो अब कौन सा फैक्टर गवर्न करेगा, सिंपल सी बात है, कौन सा फैक्टर गवर्न करेगा, ये देखो, ये F- है, ये Cl- है, ये Br- है, I- है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर है ही नहीं तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगा, मोर बेसिक कैरेक्टर. मोर बेसिक कैरेक्टर मींस
more nucleophilicity. More nucleophilicity. जितना ज़्यादा बेसिक होगा नेचर में उतना ही उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. अब ये बेसिक कैसे डिसाइड करते हैं मैम, पूछो ना भाई, पूछो. यस, कैसे डिसाइड करते हैं, देखो अगर तुम्हारे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है, सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारा उसी साइज़ का है. ठीक है, हाइड्रोजन तो उसी साइज़ का है, बट एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल दिस साइज़ इंक्रीज होगा. मतलब कि क्या बढ़ जाएगा उनका, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा. ठीक है, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो छोटे बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना इजी होता है या बड़े बॉन्ड लेंथ को, बड़े बॉन्ड लेंथ को, तो ये रेडिली ब्रेक होगा क्योंकि लकड़ी लंबी है तो तोड़ोगे तो इजीली टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा तो रेडिली H प्लस जनरेट करेगा, विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड हु रेडिली जनरेट H प्लस आयन. मतलब कि HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वो H प्लस रेडिली जनरेट करेगा. और हमें एक और कॉन्सेप्ट पता है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस. यानी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस उतना वीक होगा. मतलब कि अगर आप HI लेते हो तो ये क्या जनरेट करेगा, H प्लस प्लस आई माइनस. ठीक है, H प्लस एक अच्छे एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है क्योंकि वो रेडिली H प्लस जनरेट कर रहा है, तो I माइनस क्या हुआ, उसका कॉन्जुगेट बेस. अगर वो एक अच्छा एसिड है तो ये जो I माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस जनरेट हुआ, दैट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस. तो वीक कॉन्जुगेट बेस है मतलब कि अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा. तो एसिड वीक कौन सा है, HF. अगर HF एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस यानी कि F माइनस आयन स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर होगा, और अगर वो स्ट्रॉन्गली बेसिक कैरेक्टर का है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा. बात समझ में आई, तो अगर आपका पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऐसे जाएगी. किसकी बात कर रही हूँ भाई मैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ. ठीक है, और अगर आपका पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस ऑर्डर में जाएगी. एग्जैक्टली, पूरा बदल गया. मतलब पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, बेसिक नेचर, कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट बेस, मोर इज इट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. So I hope you understood a very good concept today, and if you want to learn more such concepts you need to be stay tuned with my channel. You have to subscribe my channel, you have to share it with your friends. जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताने के लिए, आपके friends की भलाई करने के लिए आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच. आई वॉज थिंकिंग इन द सेम वीडियो आई विल कवर स्वॉर्ड्स रिएक्शन ऑल्सो, बट एज आई एम ओपनिंग वन रिएक्शन सेवरल न्यू थिंग्स आर गेटिंग ओपनड अप इन द सेम रिएक्शन. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कवर द स्वॉर्ड्स रिएक्शन विथ मैनी मोर सच न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू. थैंक यू सो मच.